हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप पी बटे क्यू को लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। तो कह रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, हम पी बटे क्यू के रूप में। कैसे लिखें पी बटे क्यू के रूप में, हमारे पास 0/8, 0 का एक का भाग देंगे 0 आएगा, 0/2, 0/3, 0.4 इस तरह से हमारे पास चल जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से पहला सवाल है आपका 1.1 का, क्या परिमेय शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, एक परिमेय संख्या है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, क्योंकि एक का भाग 0 में 0 आएगा, 2 का भाग 0 में 0 आएगा, 3 का भाग 0 में 0 आएगा, 4 का भाग 0 में 0 आएगा। हाँ भाई, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 6 लिखना है। जितनी परिमेय संख्या होती है उसमें 1 जोड़ देना, 6 लिखना है, 3 जोड़ दिया, अपने पास कितना है, 7। तो यहाँ पर हम 6 × 7/7 कर देंगे, जो अंश जो परिमेय संख्या 7 आ गई, इसको दो बार लिख देंगे, हर में भी लिख देंगे और अंश में लिख देंगे। तो 3 × 7 = 21 और 7 × 7। इसी तरह 4 है, 4 × 7/7 = 28/7। अब इनके बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, ये बता दिया। इनके बीच क्या आ गई, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है। जितनी संख्या होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, 6 और 1 = 7 हो गया। इसमें अंश में भी 7 लिख देंगे और हर में भी 7 लिख देंगे। तो 7 × 7 = 21 और 3 × 3 = 28 और 7 × 7। अब इन दोनों के बीच में 21 के बाद कौन आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, सभी के नीचे 7 लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी इस तरह से पिछले सवाल आपने दो सवाल कराया था, इसी तरह से तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है, 5। तो हमारे पास हमने जितनी संख्या होती है जितनी संख्या लिखनी है उसमें 1 जोड़ देते हैं, नियम है हमारे पास, सूत्र है, तो 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया 3/5, क्योंकि मैंने बताया था जो संख्या आएगी उसको अंश और हर में वही लिख देंगे, तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30। इसी तरह से 4/5 × 6/6 = 24 × 6 = 30। तो हमारे पास 18 के बाद कितना आता है, 19 × 20 = 30 20 × 30 21 × 30 22 × 30 23 × 30 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका चौथा क्वेश्चन है सत्य सत्य, जो आपको कर लेना है। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इनको करना है, आपको रिपीट करना है, कॉपी में करना है, ठीक है।